वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अलम ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली आ जा हुआ है जयपुर के तारामंडल। तो दोस्तों यहाँ टिकट क्या प्राइस होने वाली है और अंदर किस तरीके से एंट्री होती है और अंदर का व्यू किस टाइप का होने वाला है आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो ये तारामंडल का शो होता है पूरा एक घंटे का शो होता है और काफ़ी सारी सीट होती है, जैसे अपने सिनेमा हॉल में सीट वगैरह होती हैं उस टाइप से अंदर सीट होती है और आपकी पूरी गैलेक्सी होती है, उसका व्यू बहुत ही शानदार तरीके से अंदर दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम टिकट लेते हैं, टिकट क्या प्राइस होने वाली है अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ और अंदर का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर तारामंडल की लोकेशन की बात की जाए तो ये जयपुर का, जैसे ये स्टैचू सर्किल देख पा रहे हो जस्ट इसके अपोजिट साइड, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे की साइड, तो ये तारामंडल की लोकेशन है। तो आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, स्टैचू सर्किल ये रहा और जस्ट इसके अपोजिट साइड आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये तारामंडल की फर्स्ट एंट्री है और एंट्री करते ही आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हो दोस्तों ये पार्किंग एरिया हो गया, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, सारी पार्किंग आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप तारामंडल जाने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी अच्छी आपको नॉलेज मिलने वाली है, हमारे जितने भी ग्रह हैं चांद तारे इनके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और सामने दोस्तों यहाँ पर आपको कैफ़े एरिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा कैफ़े है, इसमें हर टाइप के खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनली कैफ़े के जस्ट पास में हमारा तारामंडल है और ये इसकी फर्स्ट व्यू दोस्तों तारामंडल का। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर की लोकेशन देखते हैं और टिकट वगैरह परचेज करते हैं और टिकट क्या प्राइस होने वाली है आगे मैं बताने वाला हूँ। तो फाइनली गाइज हमने टिकट ले लिए। तो दोस्तों एक टिकट 60 रुपए की है और दोस्तों 3 साल के बच्चों का टिकट बिल्कुल फ्री है दोस्तों। 3 साल के बच्चे वैसे भी आएंगे भी नहीं यहाँ पर, इसलिए सालों ने फ्री कर रखा है। और दोस्तों और अंदर की बात की जाए तो दोस्तों अंदर चलते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों इसमें 3 शो चलते हैं, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे, और 1-1 घंटे का एक शो होता है और बीच में 1-1 घंटे का ना गैप भी होता है, तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। 3, 1, 3, 5 मतलब 1 बजे एक स्टार्ट होता है शो तो 2 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा शो 3 बजे स्टार्ट होता है तो 4 बजे ख़त्म होता है, और तीसरा जो स्टार्ट होता है 5 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे ख़त्म होता है, बीच में 1-1 घंटे का गैप आता है। तो दोस्तों लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले ली है, तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं। अबे रोशन कहाँ है अपनी टिकट? यही अपनी टिकट। Yeah.
खा रहा हो क्या? तो दोस्तों फाइनली ये हमारा सिनेमा हॉल एरिया है, जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से चांद, तारे, सितारे और हमारे सौर मंडल के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दी जाती है। और दोस्तों फाइनली इसका पर्दा देख पा रहे हो, बिल्कुल गोल पर्दा है ऊपर आपको, और जिसकी सीटिंग एरिया है ना बिल्कुल तिरछी है, आपको ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए इसकी सीटिंग एरिया है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका अंदर का व्यू। तो चलिए दोस्तों इसका जो इसकी पर्दे हैं इसकी क्वालिटी देखते हैं और किस टाइप की ये नॉलेज देते हैं चांद सितारों की। और दोस्तों कैसे कैसी मशीनें लगी हुई है अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ का जो चांद सितारों की जो नॉलेज देते हैं उनको सुनते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ वेट कर, आगे देखते हैं क्या होता है। और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। दूसरी ओर हवाई मोनाकिया में जेमिनी नॉर्थ व 10 मीटर चौड़े जुड़वे केक टेलीस्कोप्स आधुनिक तकनीक व विज्ञान के अमेरिका नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। यह आज तक की सबसे बड़ी एक अंतरिक्षीय दूरबीन मूर्त रूप ले रही है। हबल से भी 3.5 गुना बड़ा है इसका दर्पण। 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में पसरा और हबल से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली। एक तकनीकी करिश्मा है इसकी बनावट। सोने की चमकीली परत चढ़ी हुई 18 षटकोणीय छोटे छोटे दर्पणों को एक साथ सटाकर इस दैत्याकार दर्पण को अंजाम दिया जा रहा है। यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची इस दूरबीन को रॉकेट की चोटी पर बैठाकर अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे मोड़ा और फैलाया जा सकता है। ये है धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के आपसी खींचतान का नतीजा। पृथ्वी के कक्षापथ के चारों ओर 5 ऐसे बिंदु अस्तित्व में आ जाते हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को काटता। पृथ्वी व चंद्रमा का चक्कर काट रहे किसी भी अंतरिक्ष यान को इनकी घनी अंधेरी व लंबी परछाइयों से 2-4 होना पड़ता है। कुछ देर के लिए ही सही ये परछाइयां इस ऊर्जा स्रोत में बाधा पहुंचाती है। भारी भरकम चार्ज्ड बैटरियां इस दौरान यानों के ऊर्जा स्रोत को बनाए रखती हैं। 15,00,000 किलोमीटर दूर L2 लैग्रेंजियन पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी किन्हीं बैटरियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो दोस्तों फाइनली मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ एंजॉय के हिसाब से आए हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर नॉलेज के हिसाब से आए हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ नई नई चीज़ें सिखाना है तो उनके हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। नॉलेज के हिसाब से आए हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। आपको अपने सौर मंडल के बारे में काफ़ी चीज़ें
नॉलेज मिलेगी और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ नॉलेज के हिसाब से आए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा, तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया ही होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो दोस्तों फाइनली यहाँ का पूरा एक घंटे का शो है पूरा ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।